हेलो एवरीवन सो गाइस आज हम दिव्या के साथ हैं और बच्चों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी आई के लिए स्ट्रेटजी कि एक बच्चा जो गांव में रह रहा है या छोटे शहर में रह रहा है अच्छी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाया है तो वो बच्चा कैसे अपनी प्रिपरेशन को करे बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो जिन तक क्या शिक्षा सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है तो हमारा टारगेट है कि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाए तो हमारे साथ एक विलियन स्टूडेंट है दिव्या जो अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं

practice like was good and the test series announced so, he, so it, this was our third test when the test were started we are preparing for like just do the revision by notes and doing assignments tpps and like mostly the pyqs because pyqs are really very important in our journey because not like the questions were not same in question paper but like in j there was the many concepts which were same. so if we like if we didn't much practice like uh, at last मतलब last three months में काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी practice ज़्यादा अच्छी नहीं होती है so they were like कि उनका unka percentile अच्छा नहीं आ पाएगा but क्योंकि उन्होंने गुड प्रैक्टिस नहीं करी होती है बट आप लास्ट में भी अगर पी वाई क्यूज दो तो महीने या तीन महीने में पी वाई क्यूज अच्छे से लगा लेते हैं थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं तो नाइनटी नाइन परसेंट टाइल इज़ वेरी मच तो बेटा जैसे आप बोल रहे हो कि 90 नाइन परसेंट लास्ट थ्री मंथ में हम लोग ला सकते हैं तो ये बताओ कि जैसे लास्ट थ्री मंथ ही क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं लास्ट थ्री मंथ नहीं पढ़ना चाहिए बट लाइक बट लाइक होता है कि हम सब लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्टली बच्चे 11 ट्वेल्थ में होते हैं तो जब बच्चे ट्वेल्थ में प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास और भी चीज़ें होती हैं लाइक कि बोर्ड्स हैं प्रैक्टिकल्स हैं स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उतना ज्यादा फोकस वो ट्राई करते हैं बट फोकस कभी कभी नहीं हो पाता है या और भी रीजंस होते हैं एंड इस टाइम भी टाइम भी ऐसे ही चल रहा है कि लास्ट हम लोग के पास फोर मंथ्स ही बचे हैं सो दैट्स देट्स इंपॉर्टेंट इस टाइम काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मतलब इसलिए मैंने ये बोला कि पी वाई क्यूज इम्पोर्टेंट है आप अगर अभी भी स्टार्ट करते हैं तो आप लाइक uh, नाइन्टी like नाइन परसेंट आप सिक्योर कर सकते हैं आप अपना ड्रीम कॉलेज जा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं तो बेटा वैसे आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे तो इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन एक्चुअली आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन लाइक साइंस एंड सिंस क्लास 8 आई वाज गिविंग ऑल द ओलंपियाड्स एंड मैन 8th क्लासेस आर ओलंपियाड्स स्टार्ट करते थे, थे ना 8 9 10th एंड सो ऑन और फिर उसके बाद अब 10th में आए तो Uh, 10th के बाद मेन फोकस होता है ओलंपियार्स इंपोर्टेंट होते हैं फिर उसके बाद एक टारगेट होता है कि आईआईटी मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट इज एन आईआईटी है तो आईआईटी टारगेट होता है फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर uh, साइंस बहुत इंटरेस्ट था लाइक तो दैट्स व्हाई वाज ट्राइंग टू परफॉर्म वेल इन तो बेटा तो जैसे आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था तो क्या 11 में कंप्यूटर लिया था आपने 11 12th में नो एक्चुअली

बट और कौन सी बेस्ट ब्रांच हो सकती है कि स्टूडेंट के लिए जो गांव वगैरह में रह रहा है उसको नहीं पता तो क्या आप कहना चाहोगे उस बच्चे से ब्रांचेस एक्चुअली सारी बेस्ट होती हैं ब्रांचेस कोई बेकार नहीं होती है लेकिन और ऐसा नहीं है कि सबको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए सबके अलग अलग ब्रांच मतलब चॉइस होती है कुछ लोगों को आ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी बहुत पसंद है कुछ लोगों को मेटलर्जी भी बहुत पसंद होती है तो

तो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है उसको तुमको क्या चूज करना चाहिए और दिव्या ने एक अच्छी चीज बोली कि पीवाईक्यूज क्या है अगर लास्ट थ्री मंथ में कर लेते हो तो काफी हद तक तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो काफी बेटर वे में क्या हो जाती है अब अब दिव्या एक बात ये बताओ कि जैसे प्रिपरेशन में कई बार क्या है बच्चे डीमोटिवेट होते हैं अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम सुना था कि कोटा में काफी बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं तो कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते हैं मैंने इसी बात पर बोला था लाइक अभी मैंने जब ये न्यूज सुनी थी तो मैंने इसी बात पे बोला था कि लास्ट थ्री मंथ्स में लाइक आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपके गुड मार्क्स आ रहे हैं गुड आपके बैड मार्क्स आ रहे हैं दैट वाज आल्सो गुड इट इवन मैटर ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है आपके गुड मार्क्स आ रहे हैं अच्छी बात है आप ज्यादा अच्छा प्रिपेयर करिए आपके बैड मार्क्स आ रहे हैं वो भी बेकार नहीं है आप और ट्राई करिए अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं है फाइनल एग्जाम हमारा जनवरी में है उसके बाद अगर उसमें भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है वी हैव अप्रैल अटेम्प्ट है तो इतनी जल्दी यार नहीं माननी है हम लोग काफी कुछ लाइक अभी काफी प्रैक्टिस करके हम लोग वहाँ तक नाइन्टी नाइन परसेंट आई या नाइन्टीन पॉइंट फाइव या जो भी आपका टारगेट है आप वहाँ तक आराम से पहुंच सकते हैं तो दैट लाइक काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे लाइक टेस्ट देते हैं लाइक आई मीन जब मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं बट लाइक इट रियली इवन मैटर मतलब अगर आपके नई मार्क्स आ रहे हैं अच्छे कोई बात नहीं अभी फाइनल तो है नहीं एग्जाम आप आगे जा करके आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं हो सकता है आप अगर ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें बिकॉज ये होता है ना आपने अपने को लास्ट मतलब लाइक इस दो साल की जर्नी में कितना मोटिवेट रखा क्या किया मैटर नहीं करता है आपने डेढ़ साल की जर्नी में आप, आप कैसे भी रहे ये कभी भी मैटर नहीं करेगा बट लास्ट के जो कुछ मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं आपको अप, अपने आपको मोटिवेट उन मंथ में ही रखना है अपने आपको मोटिवेट रखना है अपना बेस्ट आपको सिर्फ उस मंथ में देना है बहुत डिमोटिवेटर डिमोटिवेशन होता है बट आपको उस टाइम पर मोटिवेट रहना बस

सारे केस अलग अलग होते हैं लाइक मतलब बट वैसे मोस्टली कोचिंग को मैं ऐसे किसी कोचिंग को गलत नहीं करूँ क्योंकि सारे टीचर्स ही बेस्ट होते हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं प्रॉब्लम ये आ जाती है एक्चुअली बच्चे की भी गलती नहीं होती है प्रॉब्लम ये आ जाती है कहीं ना कहीं हम लोगों का उस टाइम या तो आप अच्छे हो आ, कितने भी आप अच्छे हैं लाइक इफ़ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट बट आप जब पेपर दे रहे हैं तो उस टाइम हमारे स्टेट ऑफ माइंड कई बार हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि चीज़ें हमें आ रही होती हैं फिर भी वो हमसे रॉन्ग हो जाती हैं तो एक ये हो गया और दूसरा रीजन ये भी है कि कई बार हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है या पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ जाता है तो काफी सारी चीजें होती हैं तो बेटा एक चीज ये बताओ जैसे स्टडी मटेरियल को लेके बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि मुझको ये बुक हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा सिंगेज लगाऊं तो अच्छा हो जाएगा तो क्या कुछ ऐसा भी है कि मतलब बुक्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि

तो आप एक लाइन से चल रहा है कि आपने रिहंत पर की पहले आप अरिहंत को पूरा कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद अगर आप लाइक जब आप मैथ्स में परफेक्ट हो चुके हैं आपके अरिहंत बहुत अच्छे से आपको आ गई है तो उसके बाद आप सिंगेज लगा सकते हैं उसको ट्राई कर सकते हैं लेकिन लाइक एक साथ बहुत सारी बुक्स ले लेना और फिर बिल्कुल प्रैक्टिस ना कर पाना क्योंकि जब होता है हम लोग बहुत सारी बुक्स ले, ले लेते हैं तो हमारे पास बर्डन होता है कि हमको ये भी लगानी है वो भी लगानी है तो हमारा माइंड उससे भी स्ट्रेस में आ जाता है कि लगानी इतनी सारी बुक्स हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया तो उससे बच सकते हैं लाइक एक बुक खरीदिए एक टाइम पे आप उसको कंप्लीट कर लीजिए पहले अच्छे से जब आपका वो अच्छे से हो जाए उसके बाद आप दूसरी बुक पे जा सकते हैं और वैसे भी ज़्यादा बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आपने आपको बस कॉन्सेप्ट करना है आप अगर एक सेम बुक से ही आपने प्रैक्टिस कर लिया है उसके बाद आप ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स हैं हम सब तो भूल जाते हैं तो आप उसके बाद भी अगर दोबारा अगर उस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ठीक है क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए क्योंकि जे में तो वैसे भी वो क्वेश्चन नहीं आना है मेन आपका कॉन्सेप्ट सही आना है तो एक चीज ये बताइए जैसे कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली कोचिंग अपना स्टडी मटेरियल दे रहा है और हमने मार्केट से ही बुक ले ली तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ बच्चे इसके लिए बदल पैसा होते हैं क्योंकि तो उनके मान ली फ्रेंड ने बुक बता दी उनके मान लीजिए किसी दोस्त अच्छे दोस्त के अलावा मान फैमिली रिलेटिव होते हैं वो बता देते हैं रिलेटिव के अलावा जैसे कोचिंग में चल रहा है अपना स्टडी मटेरियल तो कैसे एक बैलेंस बनाए बच्चा कि वो सारी चीजों को बैलेंस फॉर्म में कर पाए क्योंकि देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन है और बहुत सारे पब्लिकेशन क्या है अपनी अपनी बुक्स को लेके आए हुए हैं लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चा मैनेज नहीं कर पा रहा है इसको कैसे वो हैंडल करे फर्स्ट थिंग इज दैट कि चाहिए कोई थियोरेटिकल एग्जाम तो है नहीं उसमें आपको मेनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको देखी जा रही है तो थ्योरी इतनी थे इम्पोर्टेंट रखती नहीं है इसलिए और जो वैसे भी जितनी कोचिंग होती है वो जितना भी बेस्ट होता है वो अपना बेस्ट कॉन्टेंट डालती हैं अपने बुक्स में तो आप अगर सिर्फ कोचिंग का लेके चल रहे हैं कि कोचिंग में जितनी भी आपको बुक्स मिली हैं आप उ, उनको ही फॉलो करिए वो भी बेटर है क्योंकि आ, बेस्ट है बिकॉज क्योंकि देखिए ज़्यादा बुक्स तो हम लोग को थ्योरी ज़्यादा चाहिए नहीं हमें मेन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और इसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया होता है कि आपको मतलब जितने भी मेन फॉमूलाज हैं मेन कॉन्सेप्ट है वो उसमें दिए होते हैं तो आप उससे उसको प्रैक्टिस कर लाइक उसको आपने पढ़ लिया रिवाइज कर लिया रिविजन के लिए तो वो मोर देन इनफ होता है और प्रैक्टिस के लिए आप पहले कोचिंग की असाइनमेंट्स डीपीपी जो आपको मिलेगी वो करिए उसके बाद आपको जो बुक्स आपने भी इन्होंने बोला था बहुत सारी बुक्स के लिए तो उसके बाद आपको जो बुक आपको चाहिए लाइक आपका जो फर्स्ट ओपिनियन है कि ये बुक करनी है वो लगा लीजिए उसके बाद अगर कोई बुक तो आप कर सकते तो बेटा कभी क्या आपके मन में ये नहीं आया कि काश में कोटा जाके पढ़ती <laughs> एक ये चीज कई बच्चों के माइंड में होती है अगर कोटा जाते तो ही अच्छा होता क्या ऐसा कुछ होता है आपके साथ कभी याद था मेरे साथ ऐसा आई मीन mean, मैं एट जब मेरा टेंथ हो गया था उसके बाद मैं कोटा ही जाने वाली थी मैंने लाइक मैंने काका का इमेजिन भी नहीं किया था तो बट फिर उसके बाद कुछ सेकम सेंटर जैसे वहाँ पे उस टाइम काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइक तो एक्चुअली रिजल्ट भी काफ़ी लेट वगैरह आया था तो ये भी था कि रिजल्ट आ जाए एक बार और एग्ज़ाम का भी मैंने फिल किया तो मतलब फिर उसके बाद तो मुझे लगा कि लाइक मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा ये था कि यहीं पर रेक्यूपाई करो मतलब क्योंकि कोटा में एक्चुअली क्या हो गया आजकल कोटा में मतलब अव, थोड़ा

सिटी मैटर नहीं करती एक्चुअली मुझे लग रहा है लाइक आप पढ़ते रहिए जैसे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं मेन है कि आप क्या पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं और लाइक ऐसे अगर कोटा की बात है तो कोटा की लाइक ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे कोटा के कितने सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं तो कहीं से ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो था मेरे माइंड में था कोटा जाने का बट उसके बाद फिर डिसाइड किया कि यहीं पर रहते हैं ज़्यादा बेटर क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो बाहर और भी प्रॉब्लम होती है लाइक जर्नी में आप बाहर जा रहे हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है वहाँ रहना आपको कई बार बच्चों को होम सिकनेस होने लगती है आप लाइक जैसे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं अब आप घर पर हैं आप फैमिली के साथ हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता है लाइक आपके पेरेंट्स के साथ हैं आप तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं लाइक आप बाहर हैं आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं आप डिमोटिवेटेड है तो आपको और ज्यादा लोनलीनेस फील होता है और फूड का भी रहता है तो इस जर्नी में हम लोग लाइक काफी यू you नो know? तो एक बात ये बताइए जैसे मान लीजिए जो बच्चे वगैरह हैं तो जो गांव में या छोटे शहरों में तो उनको मतलब क्या वो अब ले पाएंगे सिलेक्शन क्या कहोगे आप छोटे शहर या गांव से तो कुछ मैटर नहीं करता है अगर उनकी प्रिपरेशन बेस्ट है उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की तो ऑब्वियसली काफी साल मतलब हर साल आप देखते हैं काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि ले लेते हैं एडमिशन और वही शहर वाला बच्चा नहीं ले पाता है तो सिटी में तो मैटर नहीं करती है तो बेटा जैसे देखा तुम लोगों ने दिव्या ने बताया कि मतलब जो है कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है सिटी मैटर नहीं करता है गांव से हो शहर से हो अमीर हो गरीब हो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस जाति से क्या हो क्योंकि हर एक चीज का एक अपना क्राइटेरिया होता है जैसे एग्जाम का क्राइटेरिया कि भाई तुमको जो है अगर आई वगैरह चाहिए तो सेवेंटी तुमको लाना होगा एनआईटी चाहिए तो लाना होगा बोर्ड में तो बेटा ओवरऑल तुमको क्या अपनी प्रेपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उस पर क्या फॉलो करना है और जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा रहता है कि सर टाइम टेबल वगैरह क्या होना चाहिए तो दिव्या से पूछते हैं कि भाई दिव्या का क्या टाइम टेबल रहता है क्योंकि दिव्या ने अभी टेस्ट चीज में काफी अच्छा स्कोर किया हुआ था तो दिव्या जानते भाई क्या टाइम टेबल रहना चाहिए

कोई डेढ़ घंटे में ही मतलब नहीं डेढ़ घंटे तक उसका है वो उससे ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं कर सकते सबको अलग अलग ब्रेक टाइम लेना होता है तो टाइम टेबल सबको अपने हिसाब से स्कड्यूल करना होता है लाइक कि मतलब आपके पास जो टाइम है आप कैसे रहते हैं आपकी लाइफ क्या है तो आपको उसके हिसाब से स्कड्यूल करना है बाकी जो मेन थिंग आती है इसमें टाइम टेबल में वो ये है कि आप प्रॉपर स्लॉट्स में बांट लीजिए टाइम को लाइक लाइक like, आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं जे में तो आपको तीनों को लाइक प्रॉपर टाइम देना है पर डे ये नहीं कि मतलब सिर्फ दिन में लाइक आपने आज एक सब्जेक्ट लगाया या दो सब्जेक्ट लगाए एक नेक्स्ट डे तो ऐसे नहीं करना है लाइक आपको दिन में तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है लाइक आपने मान लिया थ्री थ्री आवर्स प्रॉपर दे दिया फोर फोर आवर्स या जो भी आपका टाइम है और सिर्फ ये नहीं की थ्योरी करें लाइक आपको दोनों चीज मेंटेन करनी है लाइक जैसे मैथ्स और फिजिक्स में हो गया आपने थ्योरी लाइक थोड़ी सी कर ली लाइक फॉर्मूले रिवाइज कर ली या बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे बाकी आपको मोस्टली सॉल्विंग करनी है और केमिस्ट्री में आपको हाफ हाफ करना है लाइक आपको क्योंकि ऑर्गेनिक जहाँ पे आ जाता है ऑर्गेनिक न ऑर्गेनिक वहाँ पे तो आपको uh, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी फिजिकल में आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप तो बेटा वैसे में आपका क्या परसेंटेज था मेरा ट्वेल्थ ही है एक्चुअली एक या एक चीज ये बताइए कि जैसे आज में भी आप हैं, तो क्या यहाँ पे आपको पूरी तरीके से जो फैसिलिटी वगैरह होती है आपके डाउट वगैरह होते हैं क्या सबको चीजें क्लियर अच्छे से की जा रही है सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है

जो बच्चे लाइक हॉस्टल्स के हैं वो यहाँ से अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर आके और बाकी जो बच्चे घर जाते हैं वो घर जाकर क्योंकि वो क्लासेस लाइव हो जाती हैं तो वो कर सकते हैं यूट्यूब से लाइव की भी फैसिलिटी उन्होंने दे रखा है तो बेटा लास्ट मैसेज बच्चों क्या देना चाहोगे जो जे ट्वेंटी के लिए कुछ शब्दों में मेरा लास्ट मैसेज यही है कि लाइक अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है जे पास आ रहा है तो मॉक टेस्ट चल रहे हैं हर जगह तो

तो अगर प्रोग्रेस चाहते हो तो अपने आप को एक प्लीज जज करना हो तो जज कैसे हो पाएगा जब आप टेस्ट को देंगे तो बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिएगा और जे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो प्ले में जाकर क्या है फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं वहां पे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किया जा रहा है और एक प्लेलिस्ट है हारे का सारा उसमें आप जा सकते हो फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो तुम्हारा है उसके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और जिन बच्चों का फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो वो बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट को जाकर क्या देख सकते हैं तो दिव्या बहुत बहुत थैंक यू आपने इंटरव्यू दिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा okay.